आज हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ। चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को पढ़ा था, सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है जिंदगी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक, नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सब लोग डिफरेंट ग्रुप से जुड़ चुके होंगे। ये फर्स्ट क्लास है, इसके साथ साथ हम और क्लासेस करेंगे और जल्दी से जल्दी इसके सिलेबस को इस तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग अधिक से अधिक मार्क्स लाकर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। सेकेंड पॉइंट, आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग टू अर कंसिडरेशन कि इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपके साथ चैट बॉक्स में मौजूद हूँ। फ्लो कुछ इस तरह का रहेगा कि हम लोग इन रिकॉर्डेड वीडियोस को देखेंगे जिसके अंदर आपके लिए ये टेक्स्ट मौजूद है। ये टेक्स्ट का पीडीएफ मैं आप लोगों को ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। उसके अलावा दो या तीन लाइव वीडियो सेशन भी रखेंगे जिसमें आप लोग अपने डाउट्स को मुझसे डायरेक्टली पूछ के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं कि आखिर फर्स्ट एड एंड हेल्थ का सिलेबस क्या है। तो मैं आप लोगों को पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। बहरहाल जो सिलेबस है वो यहाँ खुला हुआ है, आई होप आप अपने स्क्रीन पे प्रॉपरली देख पा रहे होंगे। मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो अगर आप थोड़ा नहीं भी देख पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम, ऐसे मैंने जूम कर दिया है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये है को करिकुलर कोर्स फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ये इसका पूरा सिलेबस है जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 पहले की तरह ही, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में भी 4 यूनिट्स थी, इसमें भी 4 यूनिट है, पहले की तरह 4 यूनिट्स मौजूद हैं जिनकी हेडिंग्स हैं बेसिक फर्स्ट एड, सेकेंड में फर्स्ट एड को और फर्दर ले जाया गया है, थर्ड आ गया है बेसिक सेक्स एजुकेशन और फोर्थ है मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आजकल, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड। तो चलिए इस सिलेबस को तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही दूंगा ग्रुप में। एमसीक्यूज के बारे में मैं आप लोगों को पूरी तरह हेल्प आउट करूंगा, जिस तरह फूड न्यूट्रिशन में मैंने बहुत सारे एमसीक्यू आपको बना के दिए थे, इस केस में भी बहुत सारे बना के दूंगा। फिलहाल आज की पहली क्लास को शुरू करते हैं पहली स्लाइड के साथ, और फिर से रिपीट करना चाहूंगा, उम्मीद है कि अब तक आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर चुके होंगे, प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरीके से हम जुड़े रहेंगे और मिलके अच्छी सी पढ़ाई करना एंश्योर करेंगे। तो भाई सबसे पहले सवाल उठता है कि हम किसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं तो आप पूछेंगे ना, अगर आप मुझसे मुलाकात करेंगे तो आप मुझसे पूछेंगे, सर आप हैं कौन? बाई चांस मैं आप लोगों से मिलता हूं तो मैं पूछूंगा, आप हो कौन? आप कौन से कॉलेज से हो? जब हम लोग किसी चाट की दुकान पे जाते हैं तो पहला सवाल ये होता है, भैया ये चीज है कि नहीं? गोलगप्पे की दुकान पे जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, भैया गोलगप्पे कितने के दिए? यानी 10 के 4, 10 के 3। वैसे 10 के 4 आजकल मिलते नहीं है, 10 के 3 ही मिलते हैं। खैर, फोकस गोलगप्पा नहीं है, फोकस इस बात पे है कि हम लोग कोई भी चीज समझने से पहले, करने से पहले, पढ़ने से पहले इनिशिएट करते हैं कि वो चीज आखिर है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हियर इज द डेफिनेशन, व्हाट इज फर्स्ट एड। तो जरा समझ लीजिए, आप लोगों में से कई लोगों ने फर्स्ट एड सुना होगा। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे लिख के बताएं, आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो फर्स्ट एड वर्ड को पहले भी सुन चुके हैं और आप इसके बारे में जानते हैं। अगर हाँ तो प्लीज जरा यस लिख दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में। अगर आप फर्स्ट एड, ये जो शब्द है फर्स्ट एड, इसके बारे में समझते हैं, जानते हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। फर्स्ट एड की हिंदी होती है प्राथमिक चिकित्सा, और चिंता मत करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में ये कंटेंट मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दूंगा। फर्स्ट एड आप लोगों में से कितनों ने सुना है, यस लिखिए प्लीज। चलिए तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और मैं थोड़ी सी चीजें आपको समझा देता हूं। देखो, प्राथमिक चिकित्सा किसी भी व्यक्ति को मामूली या गंभीर बीमारी या चोट के दौरान जीवन को संरक्षित करने, स्थिति को बिगड़ने से रोकने या चिकित्सा सुविधा, डॉक्टर, अस्पताल पहुंचने से पहले स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली प्राथमिक और तत्काल सहायता है। देखो यार, सिंपली समझ लो, फर्स्ट एड क्या है कि मान लीजिए रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं, या कुछ समय लग रहा है और उसके बहुत ज्यादा खून बह रहा है, सर में चोट लगा है, हड्डी टूटी है, कोई भी ऐसी चीज होती है, तो जब तक उसके लिए इमरजेंसी सर्विस जैसे एम्बुलेंस या उनको हॉस्पिटल तक ले जाना हम एंश्योर नहीं करते, उन्हें एक प्राइमरी सहायता, दैट इज हेल्प, प्राइमरी हेल्प जो प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट में सर फट जाता है, खून निकल रहा है, तो हम उसको सर को बांध देते हैं, दैट इज फर्स्ट एड। मान लीजिए किसी का पैर टूट गया है, हड्डी टूट गई है, और हम उसके पैर को सीधा करके किसी तरीके से उसको हॉस्पिटल तक ले जा रहे हैं, वो भी फर्स्ट एड है। हॉस्पिटल तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है,
हॉस्पिटल तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वो भी फर्स्ट एड ही है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, इसको क्लियरली समझिए। फर्स्ट एड वो हेल्प है जो मेडिकल फैसिलिटी डॉक्टर या हॉस्पिटल तक पहुंचाने से पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डेफिनेटली ऐसे आएगा और डिस्क्रिप्टिव में भी आपको ऐसे लिखना है, पहुंचाने से पहले हॉस्पिटल तक, मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचाने से पहले दी जाने वाली जो हेल्प होती है वो होती है फर्स्ट एड। हेल्प किस प्रकार की? मेडिकल हेल्प की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक चीज निकल के आती है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन बचाना, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्टिंग द लाइफ इज द मेन 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 ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। सो इफ यू आर राइटिंग एन आंसर इन योर एग्जामिनेशन, प्लीज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट कि भाई मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या है, क्या है, आप लिख के बताएंगे। सब लोग जरा लिखें इन्फॉर्मेशन बॉक्स में, मुझे चैट बॉक्स में, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड क्या है? अभी मैंने आपको बताया, जीवन बचाना या लाइफ प्रोटेक्ट करना, लिख दीजिए सब लोग एक बार, जिससे मुझे पता चल जाए कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और चिंता मत करिए, इस वीडियो को आप बाद में भी देख सकते हैं, ये हमेशा YouTube पे आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल रहेगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ चैट बॉक्स में इंटरेक्टिवली बने रहे। सम फर्स्ट एड एग्जाम्पल्स कि भाई फर्स्ट एड किस किस कंडीशन में हम लोग देते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस जो हैं उनके बारे में बताया है। जनरल बातें हैं, आप सब लोग पहले से जानते हैं, भाई रोड एक्सीडेंट होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है किसी को, चोकिंग ड्यू टू ड्राउनिंग या हैंगिंग यानी डूबने या लटकने आदि से दम घुटना, लटकने से मतलब है फांसी लगना, हार्ट अटैक, हीट स्ट्रोक, ब्लड फ्लो, बोन इंजरी, सांप या कुत्ते का काटना, जलने की चोटें, ये सब ऐसे केसेस डिफाइन किए हैं हम लोगों ने जिसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है या फर्स्ट एड दिया जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, ये कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स नहीं है, ये केवल एक दिशा निर्देश है कि हाँ ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें हम फर्स्ट एड देते हैं। थोड़ी बात कर लेते हैं, सड़क दुर्घटना होती है तो किसी को पट्टी बांध देना, साफा बांध देना, या उनके अगर चोट लग गई तो उसको धो के साफ कर देना, ये सब चीज फर्स्ट एड होती है। किसी को विद्युत का झटका लगता है, डूबने के केस में किसी की अगर सांस रुक जाती है, हम उसको सांस उसकी वापस लाने का प्रयास करते हैं, फांसी के केस में आपने देखा है ना, असिस्टेंस करते हैं किसी को फांसी के फंदे से उतारना या उनको सपोर्ट देके कि उनका दम ना घुटे, दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत हॉस्पिटल ले जाना, इन द मीन वाइल उनकी उनके हाथ पैर ठंडे ना पड़े, हाथों पैरों को घिसना, ये सब मूवीज में देखा है आप लोगों ने, कई मूवीज में देखना है। लू लगना, ये तो हम सब लोग स्वयं हम सब लोग इस चीज से गुजर चुके हैं, किसी को लू लग जाती है तो क्या करते हैं भाई, उसको पानी पिलाने का प्रयास करते हैं, अगर सर गर्म हो रहा है तो सर को ठंडा करने का प्रयास करते हैं, ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी दे दिया जिससे उल्टा नुकसान हो जाए, तो वो भी जरूरी है। खून बहने के केस में क्या करेंगे भाई, जरा बताइए आप लोग, अगर किसी के खून बह रहा है चोट लगने की वजह से तो आप क्या करेंगे, लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। अरे ऑब्वियसली बात है, किसी के खून बह रहा है अगर, तो हम उसके खून के प्रवाह को, जो खून फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो है, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए हल्दी का यूज होता है, कई लोग गांव की बात करें तो मिट्टी भी लगा देते हैं, नहीं तो पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास कोई कपड़ा होता है तो उसका यूज करते हैं। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ कपड़े का, आपने देखा हो फिल्म में बेचारे हीरो को चोट लग जाती है, और जब उस हीरो को चोट लगती है तो जो हीरोइन होती है वो तुरंत अपना दुपट्टा फाड़ती है और उसके सिर पे बांध देती है, वो ही है, वो फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड तो बॉलीवुड मूवीज में जाने कब से आप लोग देख रहे हो, अब सब्जेक्ट के रूप में आया है, हीरोइन ने अपना दुपट्टा फाड़ा और तुरंत बांध दिया हीरो के सिर पे, फिर हीरो ने जो गुंडों की धुलाई करी ना, तो उन गुंडों को फर्स्ट एड भी मदद न कर पाए, ऐसी धुलाई करता है, वही है एग्जाम्पल। वो सब फर्स्ट एड चीजें, ये जीवन से जुड़े सब्जेक्ट हैं, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सांप या कुत्ता काट खाए तो उस घाव को तुरंत धो देना, या सांप के केस में आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बता रहा हूं कि अगर सांप काट जाता है किसी व्यक्ति को तो जहां काटता है वहां पर एक टाइट सी चीज बांध दी जाती है जिससे वो जहर आगे ना बढ़े, और सेकेंडली वहां कट लगा के इन्फेक्टेड ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। जलने की चोटें हैं, जलने के केस में बहुत सारे देसी नुस्खे भी होते हैं, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं इमरजेंसीज में जिसमें फर्स्ट एड का प्रयोग होता है। यानी लिटरली बात की जाए तो अगर किसी भी तरीके से कोई चोट लग रही है, किसी भी तरीके से चोट लग रही है, तो यार फर्स्ट एड एक प्राइमरी एग्जाम्पल है, जैसे वो दुपट्टे वाला, वो दुपट्टे वाला एग्जाम में लिख के मत आना,
वैसे लिख भी सकते हो, अगर अच्छा एग्जाम्पल लिखना है आपको तो आप यूज कर सकते हैं कि हम लोग अपने जीवन में किसी को चोट लगने पर खून रोकने में और हम पे ड्रेसिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है पट्टी वगैरह की, तो हम लोग कपड़े फाड़ के, साफा फाड़ के उसको बांध देते हैं, वो भी एक फर्स्ट एड ही है, जनरल फर्स्ट एड है। मिट्टी रगड़ देना या ये सब चीजें मेडिकली डिस्प्रूवन हो सकती हैं, बट एक्चुअली वो सब फर्स्ट एड का ही एग्जाम्पल है। ये ध्यान रखें कि फर्स्ट एड देने के लिए ट्रेंड इंडिविजुअल, यानी ऐसे लोग जो कि प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं, उनको हम कहते हैं फर्स्ट एडर। जैसे कि प्लेन उड़ाने की परमिशन और लाइसेंस और ट्रेनिंग जिसको मिल जाती है उसे पायलट कहते हैं। वो जो पायलट बड़े हम गांव वगैरह में जाते हैं ना, तो लोग अपनी बसों के कोने में लिखे रहते हैं पायलट, मतलब वो बस का पायलट है, वो बस को उड़ाता है, वो वाला पायलट नहीं, मैं ओरिजिनल पायलट की बात करता हूँ। ओरिजिनल पायलट वो होता है जिसको ट्रेनिंग होती है। वैसे ही फर्स्ट एडर कौन होता है? जो इंडिविजुअल ट्रेंड है, हु इज ऑलरेडी ट्रेंड। अगर आप लोगों को मजा आ रहा हो ना, हम इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे से कॉमेंट बॉक्स में जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहीं से हम अपनी पढ़ाई को आगे ले जा सकते हैं। एंड आई एश्योर यू, आप सब लोग 100% क्वालिफाई करेंगे अच्छे मार्क्स के साथ इस पेपर में। तो इसका बर्डन हम लोग ऐसे ही हटा देंगे और भी चीजें पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट एड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। इसके ऊपर सवाल नहीं आया तो क्या आया, कम से कम 3 से 4 सवाल तो मान के चलो। सबसे पहली बात है, 11th सेंचुरी में, 11वीं शताब्दी में, सन 1099 में जो है स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया था? फर्स्ट एड को पहली बार जो आया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फर्स्ट एड का? जब उसको इनिशिएट किया गया तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो युद्ध के दौरान वुंडेड होते थे, जो घायल होते थे युद्ध में, उन लोगों की मदद के मुख्य उद्देश्य के साथ हम लोगों ने क्या किया था, उन लोगों की मदद के उद्देश्य के साथ फर्स्ट एड की स्थापना हुई थी। रेड क्रॉस वॉज एस्टैब्लिश इन 1863 विद अदर फाउंडर्स मेंबर्स। किसने किया था? हेनरी डोनांट ने। हेनरी डोनांटे ने इसको शुरू किया था, और भी मेंबर्स थे, बट 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साल हो गया, ये नाम हो गया, 11th सेंचुरी हो गया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वुंडेड इन वॉर्स की मदद करना, जो लोग घायल हुए थे युद्ध में उनकी मदद करना था। और सन 2000 से, सिंस ईयर 2000, तो 2000 के तो बाद ही हम लोग पैदा हुए हैं ज्यादातर, हम लोग मतलब आप लोग, मैं तो 2000 से पहले पैदा हो गया था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, IRFC कहते हैं, मेन मेन बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, प्लीज याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। इन्होंने वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की घोषणा कर रखी है, प्लीज याद कर लीजिए, किसने कर रखी है? IRFC ने कर रखी है। IRFC एक संस्था है जो सन 2000 से क्या मना रहा है? वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मना रहा है। जैसे भाई का बर्थडे मनाते हैं, बहन का बर्थडे मनाते हैं, बहन का बर्थडे मतलब आप जो बहनें यहाँ मौजूद हैं, कहते हैं आज मेरे भाई का बर्थडे है, आज मेरी बहन का बर्थडे है, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, इंस्टाग्राम स्टेटस लगाते हैं हम लोग, वैसे ही IRFC कहता है अपने भाई का बर्थडे है। कौन से भाई का? फर्स्ट एड भाई का। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे कब मनाया जाता है? इसकी डेट दी है 2nd सैटरडे ऑफ सितंबर, फिक्स नहीं किया। कुछ लोग आपके अगर फ्रेंड्स हो, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसने कहा कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, उसे ये नहीं पता उसकी डेट क्या है, उसे ये पता है उसका बर्थडे जब भी जन्माष्टमी आती है खिसक जाता है, कभी 25 अगस्त हो जाता है, कभी 15 अगस्त हो जाता है। वैसे बढ़िया ही है, चलो हर बार अलग अलग दिन पे पार्टी मिलती है। तो फर्स्ट एड डे इज 2nd सैटरडे ऑफ सितंबर। 100% दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, आई कैन गारंटी यू दैट। तो प्लीज नोट कर लो, याद कर लो कि हर सितंबर माह के दूसरे शनिवार को, सैटरडे को, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, जरा फटाफट से बताएंगे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2022 कौन से दिन आ रहा है? अपना मोबाइल उठाइए या कैलेंडर देखिए और उसमें मेरे को देख के बताइए। मैं जैसे कैलेंडर खोल रहा हूँ साथ में, मैंने कैलेंडर खोल लिया है, मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे इस साल 2022 में कब मनाया जा रहा है। तो देखो मैंने यहाँ खोल लिया है भाई, सेप्टेम्बर में दूसरा सैटरडे, पहला सैटरडे पड़ रहा है 3rd को, दूसरा सैटरडे पड़ रहा है कब पड़ रहा है बता दो, 10th सितंबर को इस साल वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इसकी थीम है लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड, आजीवन प्राथमिक चिकित्सा। 2020 में थीम थी फर्स्ट एड सेव्स लाइफ, 2021 में थी फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी, यानी रोड पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं इसमें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है, और इस साल 2022 में थीम है लाइफ लॉन्ग
फर्स्ट एड अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये तीनों सालों की थीम्स एग्जाम से पूछी जा सकती हैं। ईयर 2000 इंपॉर्टेंट है, 1863 इंपॉर्टेंट है, आईआरएफसी इंपॉर्टेंट है, हेनरी डुनांटे इंपॉर्टेंट है, 11th सेंचुरी, मेन ऑब्जेक्टिव इज वॉर, युद्ध में घायलों की मदद, और इसके अलावा 2 सितंबर दूसरा शनिवार, किसका दूसरा शनिवार, सितंबर माह का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, फर्स्ट एड के सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों, प्लीज भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं, 6 P दिए गए हैं, 6 P's। जैसे मोदी जी विभिन्न अपने भाषणों के दौरान हमें अलग अलग चीजें बताते हैं, कहते भैया 5 P ऑफ मार्केटिंग, कॉमर्स में हम पढ़ते हैं, सॉरी मार्केटिंग के 5 P नहीं होते हैं, 4 P's होते हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ये 3 C फॉलो करिए, देश में सौहार्द लाने के लिए ये 4 चीजें फॉलो करिए। इस तरीके से मोदी जी काफी इन चीजों को फॉलो करते हैं, और भी कई राजनेता या बड़े बड़े राइटर्स थे जो इस तरीके से याद करने के लिए एक ही अल्फाबेट से इस तरीके के प्रिंसिपल देते थे। तो भाई फर्स्ट एड के कितने प्रिंसिपल्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रिंसिपल्स हैं आपके सामने लिखे हैं, फटाफट बता दीजिए मुझे कॉमेंट में लिख के। हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड आर देयर, देयर आर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, उनको कहते हैं 6 P। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें भी इंग्लिश वाले याद रखने पड़ेंगे, 6 P है क्योंकि इंग्लिश में ही है। तो कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड इज नॉट टू ट्रीट, प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य इलाज करना नहीं है बल्कि चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक मदद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखिएगा, मुख्य उद्देश्य क्या है, ये नहीं है कि इलाज कर दें बल्कि इलाज मिलने तक मदद करना है। पहला है प्रिजर्व लाइफ, जीवन की रक्षा करना, स्थिति को बिगड़ने से रोकना, प्रिवेंट कंडीशन वर्सनिंग, अचेतन की रक्षा करें यानी प्रोटेक्ट अनकॉन्शियसनेस, किसी व्यक्ति को बेहोश ना होने दे, मैं जा रहा हूं ऐसा ना होने दें उसको, भैया कहे नहीं नहीं बेहोश नहीं होना है, वो फिल्मों में देखते हैं ना, मेरे साथ रहो, बेहोश नहीं हो, आंखें बंद नहीं करना, वो वाली चीजें हैं। नेक्स्ट इज प्रमोट रिकवरी, उसको स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देने का प्रयास करें, जैसे लू के टाइम पे पानी पिला के हम कोशिश करते हैं। ORS, ORS का गोल, ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिससे किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हम उसको बढ़ोतरी करने का प्रयास करते हैं। पेन रिलीफ, दर्द में ज्यादा से ज्यादा आराम देने का प्रयास करना, एंड प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ के लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन, मैकडोनल्ड्स के लिए, पिज्जा हट के लिए, डोमिनोज के लिए, कहाँ के लिए सेफ सुरक्षित परिवहन कहाँ के लिए देना है बताएं, सुरक्षित परिवहन देना है उसको हॉस्पिटल तक के लिए, जिसको चोट लगी है उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, 6 P है ये, वेरी इंपॉर्टेंट 6 P's, एंड दीज आर प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, 6 P भी आएगा, और ये वाली चीजें तो पूरी की पूरी पूछी ही जा सकती है। हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन इसलिए कहा है, पता चला कोई बेचारा पहले से चोट खाया बैठा है और आप उसको बाइक पे आड़ा दाड़ के ले जा रहे हैं, बाइक पर डाल लिया ऐसे करके मरीज को, और बाइक चला के ले जा रहे हैं धुआंधार स्पीड में, पता चला इधर से ट्रक से टक्कर खाया, इधर से ऑटो से टक्कर खाया, और हे भगवान क्या सोच रहा हूँ मैं। तो भाई सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना है, ठेले पे डाल के भी ले जाना, मूवी में ठेले पे डाल के ले जाते हैं ना, सब्जी वाले के प्याज व्याज सब फेंक दिए, ठेले के ऊपर डाल दिया उसको ले जा रहे, ऐसा नहीं करना, सेफ ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करना, ऐसा सेफ ट्रांसपोर्टेशन जिसकी वजह से उसकी जान बच सके। हालांकि इमरजेंसी में सभी चीजें जो हैं वो जरूरी हैं, इमरजेंसी के केस में जितनी भी चीजें हैं, अगर वो ठेला भी मिलता है तो उस पर भी आप लेके जाएंगे, वो अलग बात है। मेरे बगल में एक छोटा सा स्कूल है तो शायद उसकी छुट्टी हुई इसलिए घंटी बज रही है, तो आई होप आपको डिस्टर्बेंस ना हुआ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं, आई होप आप नोट करते चल रहे हो, ठीक है, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स बाई इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो भाई इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने क्या किया, इन 6 में से 4 प्रिंसिपल्स को माना है, उन्होंने कहा तुम 6 दे रहे हो हम 4 देंगे, हम क्यों कॉपी करें, उन्होंने 4 कर लिए। प्रिजर्व लाइफ, देखो पहला और ये वाला सेम है, प्रिवेंट कंडीशनल वर्सनिंग दूसरा दूसरा भी सेम है, प्रमोट रिकवरी इन्होंने 4th ले लिया, और प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने लास्ट वाला ले लिया, यानी कौन सा नहीं लिया इन्होंने, पेन रिलीफ और प्रोटेक्ट अनकॉन्शियसनेस, इन दोनों को यहां से रिमूव कर दिया। तो यानी इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, किसने, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो ये भी नाम याद रखिएगा, दूसरा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, और एक हमने इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी वाला जो पढ़ा था, यहां पर ये रहा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, ये दोनों हमको अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपके पास सवाल आता है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने कितने प्रिंसिपल दिए फ्रेंड्स, तो केवल और केवल टाइप कर दीजिए, सब लोग टाइप करिए, कितने प्रिंसिपल दिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने, 4, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है,
एक तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, तभी सब लोग अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाने में लगे हुए हैं। एनीवेज, उसको अवॉइड करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। रूल्स ऑफ फर्स्ट एड क्या है? प्राथमिक चिकित्सा के कुछ रूल्स दिए गए हैं, ये रूल्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है शांत रहो। पता चला कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, आपको उसको फर्स्ट एड देना है, और आप खुद ही एकदम बोल रहे मेरे बाप अरे बेचारा मर गया मर गया मर गया करके चिल्ला रहे हैं, तो जिस बेचारे को चोट लगी है वो तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो भाई रूल्स ऑफ फर्स्ट एड है, आप शांत रहें, आप फर्स्ट एड देने जा रहे हैं, सबसे पहले आपको काम होना चाहिए, स्थिति का मूल्यांकन करें कि भी कितनी दिक्कत है, इवेल्युएट करें, डॉक्टर को मदद करने के लिए कॉल कर दें, पहले ही अपने डॉक्टर जो भी है नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां से कॉन्टेक्ट कर लें। अपनी हेल्थ की सीमा समझें, आप सर्जन नहीं है, पता चला वहीं ऑन द स्पॉट उसकी सर्जरी करने लग जाए, ना 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 डॉक्टर ना बने, आप केवल उतनी मदद करें जितनी जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धैर्य बनाना। पता चला कोई आदमी वैसे ही बेचारा चोट खाए, दर्द से तड़ा, और तुम कह रहे तू तो नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा, चिंता मत कर, अभी नहीं मरेगा, 10 मिनट बाद मर जाएगा, मतलब क्या कह रहे हो आप, उसको धैर्य कैसे बना रहे हो भाई, चिंता मत कर, तू मरेगा नहीं, अभी नहीं मरेगा, थोड़ी देर बाद मर जाएगा, ऐसा नहीं करना भाई, धैर्य बनाना है अगले आदमी को, हिम्मत देनी है कि भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेडिकल हेल्प जो है ऑन द वे है, और बहुत ही जल्दी जो है आपके लिए मेडिकल हेल्प उपलब्ध हो जाएगी। ये होता है धैर्य बनाना। सीपीआर, सीपीआर क्या होता है, ये एक टर्म है जिसकी फुल फॉर्म और इसकी डिटेल्ड स्टडी मैं आपको बाद में बताऊंगा। सीपीआर बेसिकली वो होता है, आपने मूवीज में देखा होगा कि किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो उसकी छाती पे हाथ रख के हम ऐसे प्रेस करते हैं और मुंह से भी सांस देते हैं, दैट इज कार्डियो पल्मनरी रिसक्सिटेशन, वो जो प्रोसेस है उसे कहते हैं सीपीआर। तो वो सीपीआर जो है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, बट अलग से, यहाँ नहीं करूंगा। खून बह रहा है तो रोकें, व्यक्ति टाइट कपड़े पहना है तो उनको ढीले कर दें, शरीर को गर्म रखने का प्रयास करें। आपने देखा होगा ना पिक्चर्स में और कई जगह पे पैरों को घिसना शुरू कर देते हैं, तो शरीर को गर्म करने का ये मतलब नहीं है कि आग जला के उसके ऊपर रख दिया व्यक्ति को, भाई तू इधर गर्म हो ले आराम से, ऐसा नहीं करना है। शरीर को गर्म रखने का मतलब है नॉर्मली उसके हाथ पैरों को घिस के करना। वायु प्रवाह, भीड़ भाड़ को रोकना, लोग क्या करते हैं किसी का एक्सीडेंट होता है तो आसपास ऐसे भीड़ सी क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना भाई लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हवा आने देना है, जैसे कि अभी मुझे हवा नहीं आ पा रही है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बट आपको श्योर करना है कि इंसान जो है ना भीड़ भाड़ को रोकें और वायु उसकी तरफ आने दें, जो घाव हो गया है उसकी अच्छे से ड्रेसिंग कर दें, ज्यादा हिलाए डुलाए ना, जिस व्यक्ति को चोट लगे हिलाए डुलाए ना, पीड़ित को अकेला मत छोड़े, पता चला किसी का एक्सीडेंट हो गया आप उसको अकेला छोड़कर भाग गए, इसके बारे में एक्ट भी, नियम भी, कानून भी पास हो चुका है। और प्राथमिक चिकित्सा किट जरूर रखें, कौन, फर्स्ट एडर्स के लिए नियम है ये, यानी जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है उनके लिए नियम है कि प्राथमिक चिकित्सा किट जरूर है। किट में क्या होगा भाई, जैसे मेकअप की किट में लिपस्टिक होती है, पाउडर होता है, जैसे क्रिकेट के किट में बैट और बॉल होता है, वैसे ही प्राथमिक चिकित्सा किट में पट्टी, दवाइयां, ये बेसिक चीजें, बैंडेड वगैरह, ये सब चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, मैंने फिर कहा इनका पीडीएफ जरूर शेयर कर दूंगा, बट आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। द पर्सन ट्रेन्ड इन प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इज कॉल्ड फर्स्ट एडर। ए फर्स्ट एडर इज इंपॉर्टेंट ह्यूमन सोशल वर्कर एंड कैन सेव लाइफ। तो यहाँ पे मानव सामाजिक कार्यकर्ता होता है, कौन होता है मानव सामाजिक कार्यकर्ता, फर्स्ट एडर जो है वो एक मानव सामाजिक कार्यकर्ता होता है, ये चीज आपको एकदम पता होनी चाहिए, आपके पेपर में आने के फुल चांस है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक फर्स्ट एडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बड़ा ही सिंपल सा है, आप लोग स्वयं पढ़ लेंगे, मुझे लगता नहीं कोई समस्या इसके अंदर आने वाली है। पर उसको दूरदर्शी होना चाहिए, निम्बल यानी फास्ट होना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, स्वस्थ हष्ट पुष्ट होना चाहिए, अच्छा संचारक होना चाहिए। देखो संचारक इसलिए कहा है कि जिसके चोट लग गई है उसको बात करके सांत्वना देनी पड़ेगी, तो अगर आप अच्छे से बात करते हैं किसी से को अच्छे से समझा सकते हैं, तभी आप एक अच्छे फर्स्ट एडर यानी प्राथमिक चिकित्सक हो सकते हैं। निर्णय करता भाई, निर्णय लेने पड़ते हैं प्राथमिक चिकित्सक को, कोई पड़ा हुआ है तो पानी से धोना है कि कौन से हॉस्पिटल ले जाना है, किसको फोन करना है, नेतृत्व क्षमता, लीडर होना चाहिए, टीम मैन होना चाहिए, मिल के काम करने की भावना होनी चाहिए, शांत और सहनशील होना चाहिए। कई बार ऐसी कंडीशन होगी कि सामने शायद बहुत ज्यादा खून होगा और अगर आप खुद ही खून से घबराते हैं, शांत नहीं है, सहनशील नहीं है, घबरा जाएंगे, तो फिर आप किसी और की मदद तो खैर क्या ही कर पाएंगे। सहानुभूति होनी चाहिए आपके अंदर जो है, सिंपथी होनी चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने काम के ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर।
रिसोर्सफुल, आपके पास साधन होने चाहिए, जैसे मैंने कहा ना बैंडेज होना चाहिए, आपके पास पट्टी होनी चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए, अगर आप फर्स्ट एडर हैं तो आपके पास ये सब चीजें होनी चाहिए, जानकार होना चाहिए, जानकारी होना, किस चीज की जानकारी जरा लिख के बताइए कॉमेंट बॉक्स में, किस चीज की जानकारी होनी चाहिए, फर्स्ट एड की जानकारी होनी चाहिए और प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षण की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो जैसे कि उरी फिल्म में कहते हैं ना हाउस द जोश, क्या कहते हैं हाउस द जोश के रिप्लाई में, हाय सर, राइट, हाय बोलते हैं। तो फर्स्ट एड के केस में भी सेम टू सेम केस है, अगर आपसे पूछे हाउस द जोश तो आप कहोगे हाय सर, क्यों हाय है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर उपस्थित होनी चाहिए। अगली स्लाइड की तरफ करते हैं, यहाँ पे एक गुड सैमरियन जो है, ये एक इंडियन गुड सैमरियन एक्ट जो है, गुड सैमरिटन एक्ट जो है वो पास हो चुका है 2016 में। एक्ट मतलब एक कानून है जिसके अंदर ये लिखा है कि अच्छा सामरी जो होता है, यानी एक व्यक्ति जो फर्स्ट एडर है उसकी मदद की जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि उस बेचारे ने किसी की जान बचाई और पुलिस उसको परेशान कर रही है, हॉस्पिटल परेशान कर रहा है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। उसको अपने बारे में जानकारी देना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक चीज उसके ऊपर डाली गई है, किसके ऊपर, किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट एडर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एडर के ऊपर एक चीज डाली गई है, कहा भाई कि देखभाल का कर्तव्य है उसका, अगर उसने किसी को देखभाल करना शुरू किया, किसी को अटेंड करना शुरू किया तो बीच में छोड़ के जा नहीं सकता। ये भी एक नियम पास किया गया है कि पुलिस तो उसको परेशान ना करे, साथ साथ देखभाल का कर्तव्य है। प्राथमिक उपचार की अनुमति, बड़ा ही मजेदार किस्सा है दोस्तों, किसी बेचारे का एक्सीडेंट हो गया है, वो कह रहा नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, तुम कह रहे नहीं मैं तो मदद करूंगा, वो कह रहा मेरा सिर नहीं फटा, नहीं तेरा सिर फट गया मैं तेरी मदद करूंगा, वो कह रहा मेरा खून नहीं बह रहा, नहीं नहीं अरे ऐसे कैसे खून नहीं बह रहा, तुमने चाकू उठाया खच काट दिया घुटने से और फिर उसकी पट्टी करे, नहीं भाई परमिशन लेनी है फर्स्ट एड की, किससे लेनी है, जिसको फर्स्ट एड देने जा रहे हो वो हाथ जोड़ रहा है, भाई मुझे जरूरत नहीं है ना, अरे नहीं ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, कमाल कर रहे हो यार, हम मदद करेंगे आपकी, है क्या बात कर रहे हो, मैं तो करूंगा मदद, नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, परमिशन अगर वो देता है, हाँ भाई फर्स्ट एड मुझे चाहिए, मुझे आवश्यकता है आपकी, तो ही देना है, जबरदस्ती जिद से फर्स्ट एड नहीं देना है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को अगर फर्स्ट एड देते हो तो उसकी प्राइवेसी, उसकी कॉन्फिडेंशियली गोपनीयता जो है उसको आपको एंश्योर करना है, ऐसा नहीं करना है कि उसके बारे में जाके आप जानकारियां बांट रहे हैं। मान लीजिए मैंने किसी दिन स्कूल से बंक मार के मैं घूमने जा रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे ये नहीं करना है मेरा फर्स्ट एडर जाके मेरे घर पे बता दे मैंने इसको देखा था घूम रहा था तभी इसका एक्सीडेंट हुआ, ऐसा नहीं है कुछ भी। फर्स्ट एडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंडीशंस को लेके, प्राइवेसी को लेकर वो कॉन्फिडेंशियली, कॉन्फिडेंशियलिटी एंश्योर करे, उसका काम है सहायता देना, हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसका काम चुगली करना नहीं है, ये नहीं कि पता चला उसके घर पे जाके अरे साहब आपका लड़का तीन तीन लड़के बैठा के घूम रहा था एक्सीडेंट तो होना ही था, नहीं भाई ये सब नहीं करना है फर्स्ट एडर को, वो सब मैटर उसके घर वाले देख लेंगे, आपको इसके बारे में आगे बढ़ के करने की जरूरत नहीं है। ये था आज का पूरा पूरा मैटर, ये मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, इतनी सारी चीजें मैंने आपके साथ बताई शेयर करी, आई होप आप लोग अच्छे समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास को हम दो तीन दिन बाद रखते हुए कैप के साथ करेंगे और जल्दी से जल्दी पूरी कर देंगे। ये सारा का सारा पीडीएफ मैं ग्रुप्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, जो किसी और ग्रुप में जुड़े हैं उनको जुड़ने की जरूरत नहीं है। मैं थैंक यू करना चाहूंगा वेरियस टीचर्स का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इतने सारे बच्चों तक पहुंच गए हैं। आरबीएस कॉलेज के मनुकान सर हैं, मैं उनका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा इस ओकेशन पे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने कॉलेजेस के बच्चों को, अपने कॉलेज के बच्चों को भी मेरे साथ जुड़ने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, मुझे मौका दिया कि मैं ये हेल्प कर सकूं। और आप सब बच्चों का भी बहुत सारा थैंक यू करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग जो है मेरे दिल के एकदम करीब आ गए हो, क्योंकि आप लोग मेरे YouTube चैनल से जुड़ गए हो। प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को खत्म करते हैं, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, इट्स खुदा हाफिज, इट्स बाय बाय, इट्स टाटा, इट्स टेक केयर, गुड बाय गाइज, टेक केयर।